नमस्कार स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम स्वास्थ्य विचार में मैं हूं शिल्पा तोमर दर्शकों ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है आयुर्वेद यह हमें सिर्फ उपचार ही नहीं बल्कि जीवन जीने का पूर्ण ज्ञान भी सिखाता है और ये ज्ञान हम कैसे हासिल कर सकते हैं कैसे इसे पाकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं ये हम जानेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन जी से तो आइए सबसे पहले करते हैं गुरु जी का स्वागत और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं नमस्कार गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में दर्शकों जिसकी होती है स्वस्थ काया उत्तम विचार उसी के मन में आया जी हाँ अगर आप चाहते हैं अपने मन में उत्तम विचार लाना अपने विचारों में शुद्धता लाना तो आयुर्वेद से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए अब हम जिस बीमारी पर जिस रोग पर चर्चा करने जा रहे हैं वो समस्या है दस्त की समस्या बच्चे बड़े बूढ़े अक्सर इस समस्या से परेशान रहते हैं और ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कई बार मौत तक बात पहुंच जाती है आप में अपनी ज़िंदगी भी गंवानी पड़ सकती है तो कैसे हम इस रोग को शुरू शुरुआत में ही इसका उपचार कर सकते हैं इसको ठीक कर सकते हैं जानेंगे हम गुरु जी से लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप शाम साढ़े सात से साढ़े आठ बजे यूट्यूब चैनल संस्कृति टी पर भी इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं चैनल को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना ना भूलें और दर्शकों इस वक्त अगर आपकी कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप लगातार कॉल कर सकते हैं तो आइए जानते हैं गुरु जी से जो आज की हमारी समस्या है दस्त उसके उपचार के बारे में गुरु जी आज जैसे हम समस्या जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो है दस्त की समस्या और ये अक्सर हर उम्र के लोगों को हो जाती है और काफ़ी जल्दी हो जाती है जैसे कुछ गलत खा लिया या कुछ तो किस तरह से हम शीघ्र शीघ्र से बच सकते हैं कैसे इसको ठीक कर सकते हैं देखिए बेटा दस्त एक या दो आए उससे कोई नुकसान नहीं परंतु जब बार बार दस्त आते तो ये मृत्यु का ग्रास भी बना देते हैं जी दस्त लगने का एक कारण इसके कई कारण होते हैं यदि आपकी पाचन शक्ति कमजोर पड़ गई तो भी आपको दस्त लगेंगे यदि आपने कोई उल्टी सीधी चीज खा ली तो भी दस्त लगेंगे दस्त चाहे किसी भी रूप से लगे आर्यवेद में दस्तों को रोकने के लिए रामबान दवाई है। जी। एक से बढ़ के एक दवाई है आजकल नींबू तो बारह महीने मिलता है और कोई रसोई ऐसी नहीं होगी जिसमें नींबू नहीं रखा होगा कभी भी किसी को कैसे भी दस्त लगे चाहे खून के भी दस्त लगे एक गिलास गाय का दूध लें परंतु दूध में आंगली लगा के देखें ना वो गर्म है ना ठंडा और उसमें एक नींबू काट के उसका पूरा रस निचोड़ दें और उसको एक ही सांस से गटा गट पी जाएँ अब इसके पीने के बाद ना तो आपको दस्त आएगा ना पेट में जो बट पड़ते थे वो बट पड़ेंगे ना ही आपको किसी किस्म की परेशानी होगी और जो शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी वो भी नहीं होगी नींबू एक ऐसा फल है जो कब्ज को तोड़ता और दस्त को रोकता है परंतु इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं यदि हल्के गर्म पानी में आप नींबू ले रहे हैं तो कब्ज़ को तोड़ेगा और ठंडे दूध में मिला यदि नींबू को लेते हैं तो दस्त को रोकेगा जी गुरु जी पर चर्चा हम जारी रखेंगे इसके उपचार हम लगातार जानते रहेंगे यहाँ फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आइए जानते हैं उनके साथ हेलो नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में मैं, एस पर, पर, नाम एस है। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप मैं दिल्ली है। जी आप बताइए क्या समस्या है आपकी ए, का भी होता है, जी संसार के अंदर ऐसी कोई बीमारी जिसका मेरे पास उपचार स्वर नहीं है सराइसिस होता है टैरी का टैरा लिन टैरीबुल पहनने से और जो टाटा का या आंखुर का नम खाते हैं इससे होता है फिर जो आप सब्जियां खाते हैं इन सब्जियों का छिलका निकाल के फेंक देते हैं दालों का छिलका निकाल के फेंक देते हैं नाजों की चोकर निकाल के फेंक देते हैं यह है सराइसिस पैदा करने की सबसे बड़ी जड़ आप ऐसा कीजिए बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के मंगल बीच में मेरे आश्रम में आइए जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि दस बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें सुबह नौ से दस के अंदर अपना कराना दस से बारह में नाड़ी परीक्षण करूँगा नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की एम आर आई सी टी स्कैन एक्सरा अल्ट्रासाउंड ए सी जी सोनोग्राफी सब कुछ हो जाएगा उसमें जो जो भी आपके अंदर शरीर में कमियां पाई जाएंगी दवाइयां दी जाएंगी या दवाइयां आप नियम से लेते हैं परहेज करते हैं तो आपका सुरक्षित चाहे कितना पुराने से पुराना डेढ़ दो महीने बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा परंतु कपड़े आपको सूती पहनने और टैरिकॉर टैरी बोल नहीं पहनना जी दर्शकों अगर आपको भी आप या आपका अपना किसी भी रोग से पीड़ित हैं डॉक्टर्स के चक्कर काट के परेशान हो गए हैं थक गए हैं अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा के लेकिन आपको कोई आराम नहीं हो रहा है और दिन पर दिन आइए तो स्वस्थ विचार आश्रम यहां अपना है यहां साथ जुड़ गए हैं आइए उनकी समस्या हेलो नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में बोल रहा हूँ जी बताइए रोग बताइए अपना करा था शुगर की समस्या है गुरु जी आज बच्चा है बूढ़ा है जवान है सब ने खाने पीने का जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रंग का रखा है पैप्सी भी चाहिए लिमका भी चाहिए चाय भी चाहिए कॉफ़ी भी चाहिए और खाने में बिल्कुल चोकर निकला हुआ आटा चाहिए धुली हुई दालें चाहिए छिली हुई सब्जी चाहिए यह है शुगर की जड़ें जी जब अंदर जाके जो शरीर को असल चीज़ चाहिए जिससे लीवर काम करेगा फेंक्र इंसुलिन बनाएंगे उसको निकाल के फेंक देंगे तो सज़ा किसको मिलेगी आप ऐसा कीजिए बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि दस बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी लच्ची मुंह में रख कर चूसते रहें सुबह नौ से दस के अंदर अपना नामकरण कराएं दस से बारह मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूंगा कि आपको बीमारी आपको मुंह से कुछ नहीं बोलना यदि आप नियम से दवाई खाते हैं परहेज करते हैं जिस दिन आएँगे उसी दिन आपकी शुगर में दस की कमी आ जाएगी हर नियम से दवाई खाते हैं परहेज करते हैं जो बताया जाता है करते हैं तो एक महीने के अंदर अंदर नॉर्मल शुगर जो नब्बे होती है वही रहेगी खाना खाने के बाद एक सौ चालीस नब्बे से नीचे आएगी ना एक सौ चालीस से ऊपर जाएगी जी शुगर एक ऐसी बीमारी है एक ऐसा रोग है अगर गलती से भी लग जाए तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो ज़िंदगी इसकी दवाई खाने की सलाह दे देते हैं इंजेक्शन पर भी जीने की सलाह दे देते हैं लेकिन यहाँ स्वस्थ विचार आश्रम में ऐसा कुछ नहीं है आप यहाँ आइए और यहाँ शुगर जैसी समस्या का भी इलाज हो जाता है जो शुगर एक रोग है इसका भी पूर्णता इलाज यहाँ किया जाता है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं आने के लिए जो जानकारी आपको चाहिए जो नियम आपको अपनाने हैं वो लगातार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आइए जानते हैं इनकी समस्या हेलो नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में हेलो नमस्ते मैम जी नाम बताइए अपना कहाँ से हैं आप सर हम मैम से से दरभंगा जिला हैं जी बताइए क्या रोग है आपको ओ, थूक पर, पर जो है तो है तो दर्द करता मैडम देखिए ये जो रोग कोई भी है इसका मेडिकल साइंस में जो दी जाती है सुन करने के लिए दी जाती है उससे रोग कटता नहीं है आप ऐसा कीजिए बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि दस बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी लच्ची मुँह में रखकर रह चूसते रहें सुबह नौ से दस के अंदर अपना नामकरण कराना दस से बारह में नारी परीक्षण करूँगा आपको मुंह से कुछ नहीं बोलना नारी परीक्षण करके मैं बोलूँगा कि आपको ये ये तकलीफ़ है उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाएंगी दवाइयाँ खाने की हैं पीने की हैं मालिश करने के तेल है आँख में नाक में डालने की दवाई है यदि आप नियम से करते हैं और शाम को साढ़े तीन बजे एक को प्रेशर कराते हैं तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम कम से कम भी पंद्रह परसेंट राम मिल जाएगा जी अगर आप भी चाहते हैं इतना शीघ्र आराम पाना अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना तो आइए स्वास्थ्य विचार आश्रम में और कराइए अपना पूर्णतः इलाज यहाँ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आइए जानते हैं इनकी समस्या हेलो नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में जी बताइए अपना रोग बताइए मैडम का रोग है मैंने बहुत सारी और दिर्ण दिर्ण अभी उसमें मेरे मेरे अभी तो को को मालूम पड़ा कि है देखिए बेटा मैंने टीवी के माध्यम से चैलेंज किया आज तक तो किसी ने चैलेंज नहीं किया कि हरेक रोग का इलाज यहाँ पे है ये आपके गलत खान पान से बीमारी लगी है मेडिकल की दवाइयाँ खा के आपका रोग बढ़ा है घटानी है आप ऐसा कीजिए बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि दस बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रखें चूसते रहें सुबह नौ से दस के अंदर अपना नामकरण करें दस से बारह में आपका नाड़ी परीक्षण करूँगा नाड़ी परीक्षण में मैं खुद बोलूँगा कि आपको बीमारी आपने मुँह से कुछ नहीं बोलना फिर जो दवाइयाँ आपको खाने की हैं पीने की हैं मालिश करने का तेल है आँख में नाक में डालने की दवाई यदि नियम से करेंगे तो उसी दिन कम से कम पंद्रह परसेंट राम आपको जरूर मिलेगा हर महीने डेढ़ महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा होगा तभी जो यहाँ पे नियम बताए जाएंगे वो करेगा क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ परहेज की हैं परेज करेंगे तो अमृत है परहेज नहीं करेंगे तो मिट्टी है मैं 2010 में बाबा के पास आया था मैं जयप्रकाश रेवाड़ी से 2010 में बाबा के पास आया था सर्वाइकल के दर्द के लिए बड़े से बड़े डॉक्टरों ने कहा कि आपको सर्वाइकल स्पोंडोलाइट है लेकिन बाबा ने मेरे को यहाँ नब्ज देख के इलाज दिया और मैं पंद्रह दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया अब फिर दोबारा मेरे को ये डॉक्टर माइग्रेन का दर्द बता रहे हैं हम सिर में अब तीन महीने से मेरे को मतलब सिर में दर्द हो रहा है मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया रेवाड़ी दिल्ली जयपुर जो भी डॉक्टर कहते हैं सी टी स्कैन करके कि माइग्रेन का दर्द है लेकिन बाबा के आके यहाँ मैंने नाड़ी परीक्षण कराया और बाबा ने मेरे को पंद्रह दिन का दवाई दिया था अब मेरे को कुछ आराम लग रहा है यहाँ रिलीफ है कि आगे मैं ठीक हो जाऊँगा तो यहाँ फिलहाल एक कॉलर मैसेज जुड़ गए हैं ये जानते हैं इनकी समस्या हेलो नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में हाँ जी नमस्ते जी नाम बताइए अपना कहाँ से हैं आप जी हेमंत नाम है राजस्थान कोटा से बोल रहा हूँ जी रोग बताइए समस्या क्या है आपकी समस्या ये है मैम पापा जी को मेरे पिताजी को शुगर बीक और प्रॉब्लम है जी शुगर बीपी, थायराइड कोटा, कोटा से हर महीने डेढ़ सौ से दो सौ मरीज आता किसी को पंद्रह दिन की दवाई चलती है, किसी को महीना किसी को डेढ़ आज सारे ठीक हैं आप यूट्यूब पे स्वास्थ्य विचार मंदिर निकाल के देख सकते हैं कि वहाँ से कितने किडनी के ठीक हुए कितने कैंसर के ठीक हुए कितने थायराइड के ठीक हुए उनके सब के इंटरव्यू पड़े हैं आप यहाँ लाएंगे मुंह से कुछ नहीं बोलना सिर्फ़ जिस दिन आना उस दिन रात्रि दस बजे तक खिला पा के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची इनको मुंह में चूसने के लिए दे देनी सुबह नौ से दस के अंदर इनका नामकरण कराना दस से बारह में नाड़ी परीक्षण करूँगा नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी रोग इसके अंदर मिलेंगे वो दवाइयाँ दूँगा या दवाइयाँ नियम से खाएँगे परहेज करेंगे जिस दिन आएँगे उसी दिन दस परसेंट आराम तो जरूर मिलेगा जी दर्शकों अगर आप भी चाहते हैं इतना शीघ्र आराम चाहते हैं तो आइए स्वास्थ्य विचार आश्रम में कराइए अपना पूर्णता इलाज यहाँ आने के लिए जो नियम और जो जानकारी आपको चाहिए वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है यहाँ फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आइए जानते हैं इनकी समस्या हेलो नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में रोग बताइए क्या रोग है आपको गले में दिक्कत की समस्या है गुरु जी देखो बीमारी कोई भी है कहीं भी है यहाँ रोगी नहीं बोलता मुंह से कि मुझे, मुझे बीमारी है मैं हकीम हूँ पैर के तलवे से सिर के बाल तक की एम आर आई सी टी स्कैन एक्सरा अल्ट्रासाउंड ई सी जी सोनोग्राफी सब कुछ नफ्ज में हो जाता है नफ्ज में देखने में ज़्यादा ज़्यादा पाँच सेकेंड लगते हैं और उसके बाद जो दवाइयाँ दी जाती है दवाइयाँ नियम से खाते हैं परहेज करते हैं जिस दिन आते हैं उसी दिन दस से पंद्रह परसेंट आराम तो हर एक को मिलता है यहाँ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आइए जानते हैं इनकी समस्या हेलो नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में जी नाम बताइए अपना से बोल रही हैं आप मैं जी नाम बताइए जी बताइए समस्या क्या है आपकी थोड़ा बड़ा हुआ है और गुण गुण। मोटापा बहुत बढ़ रहा है मोटापा बढ़ रहा है गुरु जी देखिए मोटापा बढ़ने का एक कारण इसके कई कारण होते हैं आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के मंगल बीच में मेरे आश्रम में आइए जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि दस बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी लच्ची मुँह में रखे चूसते रहें सुबह नौ से दस के अंदर अपना नामकरण कराएँ दस से बारह में नारी परीक्षण करूँगा नाड़ी परिक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की जो भी आपकी बीमारी मिलेगी दवाइयाँ दूंगा दवाइयाँ नियम से खाते हैं परहेज करते हैं तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10 परसेंट आराम तो ज़रूर मिलेगा तो दर्शकों अगर आप भी चाहते हैं इतना शीघ्र इलाज मैं बार बार आपसे यही कह रही हूं कि अगर आप जल्द से जल्द ठीक हो जाना चाहते हैं अपनी दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आइए स्वस्थ विचार आश्रम यहां कराइए अपना इलाज और जल्द ही अपनी दवाइयों से छुटकारा पाइए और ख़ुद को एक निरोगी काया दीजिए यहाँ फ़िलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आइए जानते हैं इनकी समस्या हेलो नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में हाँ, नमस्कार मैं जी नाम बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप संतोष कुमार मैं सिक्किम से बोल रहा हूँ जी आ, समस्या बताइए समस्या वही अभी पर डायबिटीज़ का ही मुझे पिछले तीस साल से है जी डायबिटीज की समस्या गुरु जी काफी लंबी देखिए स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें रोगी को या उसके परिवार को कुछ भी बताना नहीं पड़ता यहाँ का नियम है बुधवार की छुट्टी रखता हूँ गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ इस नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एम आर आई सी टी स्कैन एक्सरा अल्ट्रासाउंड ए सी जी सोनोग्राफी सब कुछ नाड़ी परीक्षण में हो जाता है और पाँच से दस सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं परहेज बताए जाते हैं परहेज करते हैं दवाई खाते हैं तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपकी शुगर पहले दिन में कम से कम 10 परसेंट तो जरूर कम होगी और एक महीने में शुगर नॉर्मल नब्बे एक आ जाएगी जो हमें चाहिए ना इससे फालतू होगी ना इससे कम होगी परंतु ये होगा तभी जब आप आश्रम में आकर नाड़ी परीक्षण कराओगे जी ये होगा तभी जब आप आश्रम आएंगे और नाड़ी परीक्षण कराएंगे और अपना इलाज करवाएंगे गुरुजी अब मैं आना चाहूँगी हमारी जो आज की समस्या है दस्त की समस्या जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं गुरुजी इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है आयुर्वेद तरीके से किस में ए, किस कितनी जल्दी हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं बेटा हमारे पास चाहे कोई भी रोग है ये तो आपने दस्तों के बाद में बात की है जी जैसे हमारे पास नींबू नहीं है गाय का दूध नहीं है जी। तो हम जामुन का पेड़ ढूंढेंगे। जामुन के पेड़ की दस ग्राम नरम पत्तियाँ लेके उनको पीस के चटनी बनाएंगे। पान दाने उसमें काली मिर्च पीस के मिलाना है फिर एक गिलास नवाए पानी में घोल के उसको छानना है फिर उसके अंदर गुड़ या कु्री असायद मिला के उसको पीने में आधे घंटे का समय लगाना है दस्त बंद हो गए जी, तो ये एक नहीं हमारे पास अनेक दवाइयाँ हैं परंतु काम वही करना चाहिए जो आसानी से हो जाए जो आपके पास पड़ा है नींबू और दूध तो हमेशा अपने रसोई घर में रहता ही रहता है एक गिलास दूध लिया जो न गर्म हो ना ठंडा नवाया दूध हो उसमें एक पका हुआ नींबू पीले रंग का निचोड़ दिया और उसी को एक ही सांस में पी गए जो दस्त आना था आलिया उसके बाद दस्त नहीं आएगा पेट में जो बट पड़ते थे भयंकर दर्द होता था वो भी नहीं होगा जी दर्शकों अगर आपने अगर आपके ये जो दस्त की समस्या है ये एक ऐसी समस्या है जो हर घर में हर दूसरे इंसान को कभी ना कभी हो ही जाती है तो इससे अगर आप आज़ादी चाहते हैं जो गुरुजी ने नुस्खा बताया है उसे अपनाइएगा ज़रूर और इससे आज़ादी पा लीजिएगा यहाँ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आइए जानते हैं उनकी समस्या हेलो नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में जी नाम बताइए अपना कहाँ से बोल रहे हैं आप आगरा से बोल रहे हैं जी बताइए समस्या क्या है आपकी ये बजन, तो है जी वजन तो ज़्यादा बढ़ रहा है गुरु जी शरीर देखिए जब हमारी जीप पे कंट्रोल नहीं होता जो मन में आया और खा पी लिया तो ये बीमारी पैदा होती है इसका उपचार आप टीवी के माध्यम से नहीं करा सकते ना टीवी के माध्यम से अपनी दवाइयाँ बेचता हूँ मैं दवाई उसी रोगी को देता हूँ जिसका नारी परीक्षण करता हूँ मेरा नियम है बुधवार की छुट्टी रखता हूँ गुरुवार से लेकर मंगलवार के मंगल बीच में नारी परीक्षण करता हूँ नारी परीक्षण के लिए जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि दस बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख रह चूसते रहें सुबह नौ से दस के अंदर अपना नामकरण कराएँ दस से बारह में नारी परीक्षण करूँगा नाड़ी वृक्ष में पैर के तलुओ से सिर के बाल तक का जो भी रोग है उस दवाइयाँ दी जाएंगी यदि आप दवाइयाँ नियम से खाते हैं परहेज कराते करते हैं और शाम को साढ़े तीन बजे आपको प्रेशर कराते हैं तो जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको कम से कम पाँच से दस परसेंट आराम भी मिलेगा और पंद्रह दिन की दवाई में ज़्यादा नहीं तो पाँच किलो वज़न जरूर घटेगा जी एक पाँच किलो वज़न आपका घट जाएगा तो आप भी आइए और यहाँ और अपना इलाज कराइए गुरु जी हम वापस आएंगे अपने जो हमारा आज का विषय दस्त ये तो जो आपने उपचार बताए से बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं उनको भी अक्सर पेट खराब होने की समस्या हो जाती है तो उनके लिए क्या नुस्खा है उनके लिए उनको किस प्रकार जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है देखिए बेटा दूध का नुकसान बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी सबके लिए एक समान है अब बच्चा दूध आपके पास है नहीं जामुन का पेड़ आपके पास है नहीं तो आपको प्याज का रस निकाल करके शायद में मिला के बच्चे को चटा दें दस्त बंद हो जाएंगे। जी शायद और प्याज का रस दस्त बंद करने के लिए कब्ज को तोड़ने के लिए अमृत है नींबू का रस गर्म पानी कब्ज़ को तोड़ने के लिए अमृत है और यही नींबू दूध में दे के दस्त को रोकने के लिए अमृत है दस्त चाहे खूनी है चाहे पानी जैसे हैं हर एक किस्म के कंट्रोल करने के लिए दूध और नींबू एक किस्म का रामबाण है गुरु जी मैं चाहूँगी वो जो जामुन वाला आपने नुस्खा बताया था वो एक आप दर, एक बार और दर्शकों को बता दें अगर आपने वो नोट नहीं किया था अगर आपने वो नहीं लिखा था तो इस बार कॉपी पेंसिल लेकर कर बैठ जाइए गुरु जी वो नुस्खा बताएंगे लिख लीजिएगा यहाँ पर उससे पहले यहाँ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आइए जानते हैं उनकी समस्या हेलो नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में मीनाक्षी बोल रही हूँ जी बताइए मीनाक्षी कहाँ से बोल रही हैं आप मैं बोल रही हूँ जी आ, समस्या बताइए आप अपनी जी समस्या मेरी आंखें झपकती रहती हैं जो टेस्ट कराया तो पानी साफ खत्म हो गया तो जी, आ, के जी के आँखों है आँखों का चाहे कोई भी रोग है मेडिकल साइंस में इसका उपचार नहीं है क्योंकि इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी इनको प्रैक्टिकल नहीं है मैं हकीम हूँ मेरे पास हर एक चीज का प्रैक्टिकल है आप ऐसा कीजिए बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि दस बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी लच्ची मुंह में रख के चूसते रहें सुबह नौ से दस के अंदर अपना नामकरण कराएं दस से बारह में नाड़ी परीक्षण करूंगा नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी आपके रोग मिलेंगे सब दवाइयाँ दी जाएंगी यदि आप दवाइयाँ नियम से खाते हैं परहेज करते हैं और आँख में नाक में जो दवाई डालने के दी जाएगी डालते हैं तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपकी आंखों में कम से कम 20 परसेंट परिवर्तन जरूर आएगा जी तो अगर आप भी चाहते हैं जल्द से जल्द ठीक होना अपना उपचार कराना तो आइए स्वास्थ्य विचार आश्रम में और कराइए अपना पूर्णता इलाज गुरु जी वो जामुन वाला नुस्खा एक बार आप बता दीजिए दर्शकों को दस ग्राम जामुन के नरम कोपड़े लेके तीन दाने काली मिर्च पीस के उसकी चटनी बनाएं इस चटनी को नवाए पानी में घोल करके छान लें अब इसके अंदर शहद या गुड़ जी। या कुा मिश्री मिला के इसको पुला दें एक गिलास पलाने में आधे घंटे का समय लें जो दस्त आपको आ चुका तो आ चुका अब इसके बाद दस्त नहीं आएगा यदि पेट में किसी किस्म का दर्द होता था वो दर्द भी नहीं होगा अब जब इसके बाद आपका पेट साफ होगा तो उसमें नॉर्मल लेटर्न आएगा इसमें दस्त नहीं आएगा यहाँ फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आइए जानते हैं उनकी समस्या हेलो नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में हाँ नमस्कार जी नाम बताइए अपना कहाँ से बोल रहे हैं आप मैं अनुराग बोल रहा हूँ लखनऊ से जी समस्या बताइए समस्या एक्चुअली मुझे शुगर की प्रॉब्लम है जो है आ, और उसमें किडनी में जो है चार परसेंट हो गया है गुरुजी शुगर और किडनी की समस्या से देखिए जो शुगर की दवाई खाएगा चाहे गोली खाए चाहे इंसुलिन ले उसकी किडनी तो खराब होगी होगी आप ऐसा कीजिए जितनी जल्दी हो सकता है बुधवार छोड़कर गुरुवार से ले मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि दस बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें सुबह नौ से दस के अंदर अपना नामकरण कराएं दस से बारह में नारी परीक्षण करूँगा नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की एम आर आई सी टी स्कैन एक्सरा अल्ट्रासाउंड ए सी जी सोनोग्राफी सब कुछ हो जाएगा इसमें जो भी रोग आपके शरीर में पाया जाएगा दवाइयाँ दी जाएंगी दवाइयाँ नियम से खाते हैं परहेज करते हैं तो शुगर तो जिस दिन आएंगे उसी दिन दस परसेंट कम हो जाएगी और जो भी आपके शरीर में कमियाँ हैं कोई भी रोग है वो भी दिन दोगुने रात चौगनी घटेगा यदि आप मानदार से दवाई खाते परहेज करते तो एक महीने में आपका रोग का नाम इंसान ही रहेगा सिर्फ आपको ये एक ख्वाब रहेगा मैं सपना देख रहा था कि मुझे बीमारियाँ थी आज मुझे बीमारी तो है ही नहीं ये आर्युर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता मेरे स्वास्थ्य विचार की जी आयुर्वेद की स्वस्थ विचार की सबसे बड़ी विशेषता है कि आपको आपका रोग जिससे आप पीड़ित हैं ऐसा लगेगा कि आप स्वप्न देख रहे हैं कि ये रोग आपको है ही नहीं आप ऐसा सोचेंगे कि एक सपन था जिसमें एक बुरा सपना आपने देखा था जिसमें आपको आपको एक रोग था लेकिन अब आप पूर्णतः ठीक हैं यहाँ एक कॉलर मैसेज जुड़ गए हैं आइए जानते हैं इनकी समस्या हेलो नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में जी नमस्कार नाम बताइए अपना कहाँ से बोल रहे हैं मेरे जुकाम देखिए जब अपने खान पान पर कंट्रोल नहीं होता तो ये बीमारी पैदा होती है और इसका उपचार पूरे संसार में एलोपैथी में तो बिल्कुल किसी भी रोग का नहीं है वहाँ पे बिजनेस है उससे इसको सुखाते हैं उसको काटते नहीं हैं आप ऐसा कीजिए बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि दस बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख कर चूसते रहें सुबह नौ से दस के अंदर अपना नामकरण कराना दस से बारह में नाड़ी परीक्षण करूँगा नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए सिर के बाल तक जो भी रोग आपके शरीर में होगा दवाइयाँ दी जाएंगी यही दवाई आप नियम से खाते हैं परहेज करते हैं तो जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको दस परसेंट आराम भी मिल जाएगा गुरुजी आप हमारे कार्यक्रम में आए इतना कीमती वक्त हमें दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार